कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के पहले चरण में ही सर्वप्रथम शहर की बस सेवा यानी आपले बस का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया था। अब लगभग 7 माह के बाद बस सेवा को बुधवार से शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में सर्वाधिक आवश्यकता वाले खापरी, हिंगना और वाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 40 बसों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से शहर में बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। 2-3 दिनों में शहर बस सेवा पूर्ववत होने की आशा परिवहन व्यवस्थापक शकील नियाजी ने दी। हाल ही में विधायक विकास ठाकरे ने आयुक्त को पत्र भेजकर बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। इसी क्रम में पूर्व विरोधी पक्ष नेता संदीप सहारे के नेतृत्व में भी आयुक्त से मिलकर शिष्टमंडल ने बस शुरू करने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं करने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी क्षमता से बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। संचालन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। जहां बसों में सैनिटाइजर का इंतजाम होगा, वहीं बिना मास्क किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बस डिपो में वापस लौटने पर उसे पूरी तरह सैनिटाइज भी किया जाएगा। बस शुरू करने की मांग करने वाले कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि शहर बस सेवा का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किंतु मनपा परिवहन विभाग की ओर से शहर बस शुरू नहीं की गई। बस शुरू नहीं होने के लिए राज्य सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे थे। अब कोई भी नए निर्देश जारी नहीं किए गए और बस का संचालन शुरू हो रहा है। इससे यह तय है कि मनपा द्वारा ही बसों को शुरू करने में आनाकानी की जा रही थी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था।